गाइज, रेडमी 12 5G या फिर पोको M6 Pro के अंदर हाइपरस के इंडिया में काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर थर्ड अपडेट चल रहा है, लेकिन यार बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर हैं जो कि स्टिल अभी तक आप यूज नहीं कर पा रहे हो। तो वो फीचर्स कैसे यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर वगैरह ब्लर भी नहीं मिलता है। देन इसके साथ और भी बहुत सारे हाईलाइटेड हिडन फीचर हैं जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, और उनको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ चीजों को इनेबल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप काफी सारे नए फीचर्स भी अपने रेडमी 12 5G यानी कि पोको M6 Pro के अंदर इंडिया में एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ टॉप 5 फीचर्स बताने वाला हूं जो कि आप इंडिया में आराम से एक्सेस कर पाओगे, जिसके लिए रूट या TWRP की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने फोन से ही उनको इनेबल यहां से कर सकते हो। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले हिडन फीचर की बात करूं, जो काफी ज्यादा डिमांडेबल फीचर है, जिसका वेट काफी सारे यूजर्स कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि ये फीचर आपके रेडमी 12 5G यानी कि पोको M6 Pro में इंडिया में देखने को नहीं मिला है, इसका कंट्रोल सेंटर ब्लर। इस पर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस आपको दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें काम कर रही हैं, कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं। काफी सारे यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और काफी सारे यूजर्स एक्सेस कर भी पाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आएगा कि इसको हमें कैसे इनेबल करना है। तो अगर आप कंट्रोल सेंटर के अंदर ब्लर का फीचर यूज करना चाहते हो, तो थीम एप्लीकेशन में चले जाओ, जो कि यहाँ पर MI का थीम स्टोर है, वहीं पर आप जाना, गूगल प्ले स्टोर वगैरह में नहीं जाना, MI थीम स्टोर में चले जाना है। और यहाँ पर एक थीम का मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, उसका पहले आप नाम चेक कर लो कौन सी थीम है। हालांकि बहुत सारी थीम मैंने यहाँ पर एक्टिवेट करके रखी है, तो जो सबसे बढ़िया इस अपडेट में मुझे लगी वो ये थीम है। आप देखो कि स्टीरियोस्कोपिक ये थीम जो है वो आपको डाउनलोड करना है। बहुत सारे यूजर्स इसको डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये जो थीम है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्टीरियोस्कोपिक सर्च कर देना, आप देख लो स्पेलिंग देख लो, यही सेम टाइप करना है, और टाइप करके आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। तो फर्स्ट वाली थीम जो आएगी वो यही एक ही थीम है, और इसको आपको डाउनलोड करना है, अप्लाई नहीं करना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके फोन में माई अकाउंट का ऑप्शन मिले, क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज थीम का, इस पर क्लिक कर लेना। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार का, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे स्टीरियोस्कोपिक ये थीम जो है वो यहाँ पर है, इसको सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है, मतलब यहां से जाकर अप्लाई करना है, स्टेटस बार से डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। तो आपकी जो थीम है वो वही रहेगी, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल सेंटर वाला जो इफेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा। कैसे, अभी आप देखो यहां पर ये चीज जो है वो आ चुकी है। तो सिंपली इस ट्रिक की मदद से आप इस चीज को इनेबल यहां से कर सकते हो। नेक्स्ट हिडन फीचर की मैं बात करूं, हालांकि वो फीचर आपके फोन में ही है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स उसको स्टिल अभी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा फीचर है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेबिलिटी का, इसमें आपको चले जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा विजन का, विजन में चले जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कलर इन्वर्शन का, इसमें आपको चले जाना है। ये फीचर बहुत जबरदस्त है, ये एग्जैक्टली काम क्या करता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको अगर आप एक्टिवेट करोगे तो ये आपके सिस्टम को एक डार्क लुक यहाँ पर दे देता है, कलरफुल प्लस डार्क, मतलब कलर भी रहेंगे और यहाँ पर डार्क भी हो जाएगा। आप देखोगे इसका कंट्रोल सेंटर कैसा लग रहा है, आप देखोगे मतलब जैसे कि ना कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, उस तरीके से ये जो है वो एक्टिवेट करता है। आप देखोगे डार्क भी है और कलरफुल भी है। ये चीज आप अपने फोन के अंदर यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, और इसके साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, इसका जो यहाँ पर एक बार है, आप देखोगे यहाँ पर इसका जो यहाँ पर शॉर्टकट है वो भी आप मतलब यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आप देखो इसका ये जो बबल है ये मूवेबल है, इसको आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। और ये चीज काम क्या करती है, इस पर टैप करोगे तो ये लाइट कर देगा, टैप करोगे तो ये डाउन कर देगा। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी, और इसको आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। और यहीं पे आपको एक और फीचर मिलता है जो कि यहाँ पर HyperOS प्लस Android 14 के साथ ही देखने को मिला। यहाँ पर हेयरिंग में अगर आप जाओगे तो बीम फोर नोटिफिकेशन का फीचर मिलेगा। ये फीचर बहुत बढ़िया है। ये काम क्या करता है, ये आपके नोटिफिकेशन के अंदर काम करता है। अगर इसका ये कैमरा फ्लैश ऑन करोगे और यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आती तो आप मेरे हैंड के पीछे देखोगे, यहाँ पर ये दो बार फ्लैश को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके फोन पे कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है। उसके साथ यहाँ पर ये जो स्क्रीन का कलर है वो भी चेंज करता है। अगर आप ये चीज जो है एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर सकते हो, इसमें स्क्रीन का कुछ कलर इस तरीके से चेंज होगा। हालांकि बहुत सारे और भी कलर दे रखे हैं, जो भी आपको सही लगता है, येलो है या रेड है, अगर आपके फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये कलर्स भी चेंज करेगा। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी, और ये एक हिडन फीचर है, हालांकि काफी सारे यूजर्स को पता है और काफी सारों को नहीं भी पता है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलता है जो कि काफी बढ़िया फीचर है, ये हिडन फीचर है, ये बहुत सारे यूजर्स नहीं जानते हैं, ये आप एक्सेबिलिटी के अंदर ही रहोगे। तो यहाँ पर आपको जेस्चर शॉर्टकट का एक फीचर मिलता है,
इस फीचर से आप बहुत सारे फीचर एक्सेस कर सकते हो। ये फीचर क्या काम करता है, यहाँ पर डुअल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन रहता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये एग्जैक्टली फीचर्स काम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप कैमरा लॉन्च एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पर आप दो बार टैप करोगे फिंगरप्रिंट पे तो ये आपका कैमरा लॉन्च कर देगा, मतलब आपको कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने ये चीज जो है वो बंद कर दी, अब मैं यहाँ पर डुअल टैप करूँ तो ये डायरेक्टली कैमरा ही लॉन्च करेगा, तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। और उसके साथ आप यहाँ से कुछ और चीजें भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका कंट्रोल सेंटर है उसको भी एक्सेस करोगे, जैसे कि मैं डुअल टैप करूंगा तो ये कंट्रोल सेंटर डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, नोटिफिकेशन शेड है, लॉन्च गूगल असिस्टेंट है, और यहाँ पर लॉन्च कैमरा है, कैलकुलेटर है, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर सेट कर दिया तो आप डुअल टैप करोगे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर यहाँ से ओपन कर देगा। तो मतलब आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं कि कौन सी चीज कहां पर है, तो आप ये यहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी फीचर मुझे काफी जबरदस्त लगा जो कि आपको यहां पर मिलता है। और इस अपडेट के अंदर आपको एक और बहुत जबरदस्त फीचर मिलता है जो कि यार Redmi 12 5G और Poco M6 Pro के अंदर ही यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप में जाते हो और बैटरी सेक्शन में यहाँ पर जाते हो तो आपको यहाँ पर बैटरी जो प्रोडक्शन ऑप्शन है इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर चार्जिंग और यहाँ पर चार्जिंग ऑप्टिमाइज का फीचर मिलता है। रेगुलर पे करोगे तो आप अपना फोन को चार्जिंग पे लगाकर छोड़ दोगे तो ये इसको काफी फास्ट स्पीड में 100% चार्ज कर देगा, लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज पे करोगे, ऑप्टिमाइज चार्जिंग के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर इसमें चेक करोगे तो इसके अंदर आप देखोगे नाइट टाइम चार्जिंग प्रोटेक्शन का फीचर मिलता है जो कि एक काफी सही चीज है। बहुत सारे यूजर्स इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्टिवेट करके रखोगे तो अगर आप ड्यूरिंग द नाइट, अगर नाइट के टाइम में अगर अपने फोन को चार्जिंग पे आप छोड़ देते हो तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग को स्लो डाउन कर देता है, जिससे क्या होता है आपकी बैटरी जो है वो काफी ज्यादा हीट वगैरह नहीं होगी और आपका फोन जो है आपका बैटरी बैकअप काफी जबरदस्त देगा। तो ये फीचर भी काफी अच्छा है जिसको आप यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं, हालांकि ये फीचर फोन के ही अंदर है लेकिन बहुत सारे यूजर्स इसको एक्टिवेट यहां से नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत जबरदस्त फीचर है, क्योंकि इस अपडेट में अगर आप जाओगे यहाँ पर विजिट में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये विजिट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर लाइव वाले विजिट्स लगा सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ पर एप्स वर्ल्ड के अंदर आ जाना है। अब ये चीज जो है वो HyperOS के अपडेट के आने के बाद पॉसिबल हो चुकी, तो यहाँ पर आप टैप करोगे प्लस वाले आइकन पे और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीपल विजिट्स का सपोर्ट आपके फोन में मिलता है। जैसे कि आप देखोगे ये वाला विजिट है, अगर ये वाला विजिट मुझे स्क्रीन पे प्लेस करना है तो मैं डायरेक्टली यहां से प्लेस कर पाऊंगा। कैसे, तो मैं आपको यहां पर तो इसको मैं ऐड कर लूंगा एप्स वर्ल्ड के अंदर और इस विजिट को मैं डायरेक्टली ड्रैग कर दूंगा अपने स्क्रीन पे। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी क्योंकि ये पहले नहीं आती थी, बट HyperOS के इस अपडेट के आने के बाद इस चीज को Xiaomi ने पॉसिबल कर दिया है और ये मूवेबल है, इसको आप कहीं पे मूव भी कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी और ये काफी जबरदस्त फीचर है, हालांकि कुछ फीचर इसमें हिडन है, लेकिन अब ये सारे फीचर्स आप अपने Redmi 12 5G और यहां पर Poco M6 Pro के अंदर एक्सेस कर सकते हो इंडिया या फिर ग्लोबल में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।